लोकसभा चुनाव लड़ रही बीजेपी प्रत्याशी विवेक नारायण शेजवलकर वोट डालने पहुंचे अपनी पत्नी के साथ नीलिमा शेजवलकर के साथ तेरापंथी धर्मशाला पहुंचे। पहाड़ वाली माता के दर्शन के बाद वोट डालने पहुंचे हैं और इस दौरान भारी बहुमत से जीतने का उन्होंने दावा भी किया है। लोकतंत्र के महापर्व में सब अपने वोटों की आहुति देने जा रहे हैं और उसी कड़ी में शेजवलकर जी आप देख रहे हैं कैसा लग रहा है? अच्छा है, लोगों में उत्साह है बहुत। सुबह से ही लाइनें लगी हुई हर एक जगह पर, विशेषकर महिलाओं में ज़्यादा उत्साह देखने को आ रहा है। लोग मोदी को बनाना चाहते हैं दोबारा प्रधानमंत्री। कितनी उम्मीदें हैं आपको? देखिए, ग्वालियर लोकसभा एक महत्वपूर्ण लोकसभा है पर देश के अंदर, और पिछले बार विधानसभा के चुनाव में एक तरह से काफ़ी नुकसान हमको उठाना पड़ा था, पर एक बहुत बड़ा कमबैक हम करने जा रहे हैं और सारा घाटा पूरा करके हम भारी बहुमत से जीतेंगे। कितना मार्जिन लेके क्या अप्रॉक्स चल रहे हैं? अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आप देख सकते हैं कि विवेक शेजवलकर जी थे और बीजेपी के प्रत्याशी हैं ग्वालियर से, और वो अब जो मतदान केंद्र है उनका निरीक्षण करने के लिए निकले हुए हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।